तो आप सभी का एक बार फिर से हर घर पाठशाला में स्वागत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉग मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और इसमें हम चलेंगे इसके सबसे पहले जो आपके सामने एक डायग्राम है इसको पढ़ने की कोशिश करिए। सिस्टमेटिक पोजीशन जो है यहाँ पर दिखाई गई है एंड दैट इज बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया कोरडेटा में, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। आप सभी जानते हैं कि नोटोकोड की प्रेजेंस की वजह से और जो हर्ट होगा वो वेंट्रली सिचुएटेड होगा। हर्ट जो है वेंट्रली सिचुएटेड होगा और उसके बाद नर्व कोड जो होगा वो नर्व कोड डोर्सली यहाँ पर सिचुएटेड होगा। दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कोरडेटा। और उसकी जो क्लास है एम्फीबिया, जो फ्रॉग है दैट बिलोंग्स टू एम्फीबिया क्लास, क्योंकि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो जगह पर रह सकते हैं, लैंड में भी और पानी में भी, इसलिए इनको हम एम्फीबिया कहते हैं। ऑर्डर एन्यूरा है इसके पास, बिना टेल के ये होते हैं, और राना टाइग्रिना इसका जूलॉजिकल नेम है। तो दैट इज द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ फ्रॉग। तो ये सिस्टमेटिक पोजिशन है, जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है, तो ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द फ्रॉग। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं कि ये टेट्रापोडा है, क्योंकि इसके पास एक दो तीन और चार लिम्स हैं, जिसमें कि जो फोर लिम्स होता है वो अपर आर्म या हैंड कहलाता है और जो हैंड लिम्स है वो फुट कहलाता है। जहां तक हम फोर लिम्स में देखते हैं तो यहाँ पर चार डिजिट्स आपको दिखेंगे, 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स जो है वो हाइंड लिम्स पर देखने को मिलते हैं। जहां तक हम स्ट्रोंग की बात करते हैं तो जो हाइंड लिम्स होते हैं दे आर मोर स्ट्रोंगर देन फोर लिम्स। फोर लिम्स में ही आप देखेंगे जो उसका फर्स्ट डिजिट है, खासकर इन केस ऑफ द मेल, यहीं पर आपको नपटियल पैड भी देखने को मिलेंगे, नपटियल पैड देखने को मिलेंगे जहां पर वो एम्प्लेक्सस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जहां पर वो एम्प्लेक्सस करने में होल्ड करता है जो फीमेल को ड्यूरिंग दी ब्रीडिंग सीजन, तो वो वहां पर हम देखेंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपके सामने रहा, यहां पर आप अगर सामने देख पा रहे होंगे तो आईज के बिल्कुल सामने ये टिम्पेनम है जो कि मिडल ईयर का एक पार्ट रहता है, ईयर ड्रम। तो एक्सटर्नल ईयर्स क्योंकि अब्सेंट होते हैं एम्फीबियंस के अंदर। यहाँ पर आपको माउथ यहाँ पर दिख रहा है, हेड, आईज, वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये इसका डोर्सल हिस्सा होगा जिसके अंदर आपको नोटोकोड दिखाई देता है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये वेंट्रल हिस्सा है, जहाँ पर एक्चुअल में जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है नॉन कोर्डेट से, तो ये आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो जहाँ तक हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इट इज अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, तो आप इसको भी देख सकते हो कि किस तरह से इसके पास ये प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि टिम्पेनम कहाँ पर है इसको आप देख सकते हैं, आईज के बिल्कुल सामने होता है। आईज को अगर आप देखें तो उसके पास निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को साफ कर सकता है, पानी में देख सकता है। और उसके बाद ये डोर्सल लाइंस, यहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, डोर्सल पार्ट होगा उसका। नीचे की तरफ को वेंट्रल पोर्शन, यहाँ पर आपको क्लोका दिखेगा। देखिए क्लोका, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्लोइका प्रेजेंट होता है, एंड क्लोइका इज एक्टिंग एज द कॉमन चैम्बर फॉर ऑल दिस, जहाँ पर वो क्लोकल एपर्चर से खुलता है। तो क्लोइकल एपर्चर जो होता है वो क्लोइका का एग्जिट होता है, जहां पर आप देखेंगे कि जो यूरेटर होता है वो भी यहीं पर ओपन होता है। अगर मेल जेनाइटल है या फीमेल, वो भी यहीं पर ओपन होगा। इवन कि जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो भी यहीं पर ओपन होता है। तो कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोइका। तो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ते हुए निकलेंगे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्फीबियंस हैं, पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं बिकॉज दे आर कॉल्ड एज दी कोल्ड ब्लडेड, तो ये भी आपने याद रखना है। दे आर नोन एज एक्टोथर्मिक, जिनका टेम्परेचर अपने आप जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता है। और एडेप्ट मिमिक्री ये शो करते हैं, मिमिक्री जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक तरह से,
और एक तरह से ये अडेप्टेशन भी होता है, ऑर्गेनिजम्स के पास, कईयों के पास ये मौजूद होता है। एक ऐसा लक्षण होता है जिससे वो अपने आप अपने खाने की व्यवस्था करता है या बचने की व्यवस्था करता है, किसी से बचने के लिए ये ऐसा कर सकता है। तो जैसे कि फ्रॉग भी क्या करता है, अपने आप को ग्रीन जो ग्राउंड होता है, घास, उसके अंदर छुपा लेता है, उसको बोलते हैं हम कैमोफ्लेज करना। और सबसे बड़ी खासियत फ्रॉग के अंदर देखी जाती है कि वो ना तो बहुत पीक का समर ना ही तो पीक का विंटर वो वियर कर पाते हैं, तो इसलिए वो क्या कर जाते हैं यहाँ पर एस्टिवेशन कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द समर समर स्लीपिंग वो करते हैं, समर स्लीप करते हैं और विंटर स्लीप भी कर लेते हैं। तो दोनों ही वक्त आप देखेंगे कि जब ये अपनी लाइफ जो है हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जो है खत्म कर देता है, काफी समय गुजार देता है, मतलब एक तरह से। जहां तक इसकी स्किन है तो वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, और स्लिपरी होने का कारण है कि उसके अंदर म्यूकोसाइट होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और मॉइस्ट कंडीशंस पर हमेशा रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जब बहुत ज्यादा पीक होता है तो वो जमीन के नीचे जो है वो चले जाते हैं। तो वहां पर फ्रॉग जो होते हैं कभी भी पानी नहीं पीते हैं, डायरेक्टली कभी पानी नहीं पीते हैं, केवल स्किन के जरिए जो है उनकी बॉडी में वाटर जो है वो एंटर होता है। जहां तक डोर्सल साइड की बात है तो डोर्सल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द डार्क स्पॉट्स विद ऑलिव ग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड। तो जो स्किन है वो ग्रीन बैकग्राउंड होता है उसका, जिसके ऊपर छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स इरेगुलरली इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, और जो वेंट्रल साइड है दैट विल बी अपियर एज अ पेल येलो कलर की वो दिखती है। बॉडी जो है इसकी डिविजिबल होती हैड और ट्रंक में, और नेक और टेल इसमें एबसेंट होती है। उसका फायदा जो है फ्रॉग को मिल जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार ये नेक नहीं होने का क्या फायदा फ्रॉग को हो जाता है, तो वो बहुत इजीली जो है लीपिंग कर लेता है, जैसे चलता है वो पेड़ों पर चल सकता है, ठीक है, उसके बाद वो जंपिंग कर सकता है, तो दैट इज अ बेनिफिट टू इट, ठीक है, क्रॉलिंग कर लेता है कई बार, तो बहुत सारी जो है मूवमेंट फ्रॉग शो करता है। जहां तक हम आईज की बात करते हैं तो आईज बल्गड़ा होती है, उनकी बाहर की तरफ को निकली हुई होती है और उसके बाद निक्विटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, और आईज के थोड़े साइड पर अगर हम देखें तो एक टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जिसको हमने ईयर ड्रम का नाम दिया है, और दैट इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। तो मिडल ईयर और इंटरनल ईयर ही केवल फ्रॉग के अंदर देखा जाता है, एक्सटर्नल जो ईयर है वो अब्सेंट होता है। फोर लिम्ब्स जो है उनके पास 4 डिजिट्स हैं, और जो हाइंड लिम्ब्स हैं उनमें 5 डिजिट्स हैं। हाइंड लिम्ब्स आर मोर स्ट्रोंगर देन फोर लिम्ब्स। मेल जो होता है उसके जो 4 लिम्ब्स है उसके पास नपटियल पैड देखने को मिलता है, जिसका वो एम्प्लेक्सिस करने में हेल्प करता है, एम्प्लेक्सिस, इसलिए इसको हम एम्प्लेक्सियस पैड भी बोलते हैं। समटाइम वी ऑल्सो कॉल्ड इट इज ए मैरिज पैड। तो यहाँ पर ये एक तरह से उसको होल्ड करता है ड्यूरिंग दी कोपुलेशन, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है और मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो उसको वो होल्ड करके रखता है। एक और चीज आपने मेल के अंदर देखी होगी, वो क्रॉकिंग करता है, जो उसके वोकल कॉर्ड होते हैं उन वोकल कॉर्ड की हेल्प से वो क्रॉकिंग कर लेता है, जिससे वो इनवाइट करता है मेटिंग के लिए फीमेल को, दैट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से सेक्सुअल डायमोर्फिज्म भी हम फ्रॉग के अंदर देख सकते हैं। ये आगे बहुत ही फाइन एनाटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा आप। यहाँ पर आपको अलग अलग करके सिस्टम समझना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़िएगा तो देखिए इसको इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या आएगा स्टमक, स्टमक के बाद देखिए यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन ढूंढ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ढूंढ लीजिए, उसके बाद रेक्टम होगा, और रेक्टम जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, एंड दैट विल यू ओपन हेयर। तो ये जो है आपको ये है क्लोका, ये क्लोइका है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कॉमन अपर्चर है, दैट इज क्लोइकल अपर्चर। तो अल्टीमेटली ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखेगा, साथ में लीवर दिख रहा है, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इसके अंदर रहता है, ठीक है, जैसे कि बाइल सॉल्ट वगैरह प्रोड्यूस करना इसका काम होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन, जो कि फैट्स का डिजोल्व करता है, फैट्स को डिजोल्व करने में जो हेल्प करता है इनके पास मौजूद होता है। हाँ, इनकी एक चीज आप देखिएगा कि इनका बहुत लंबा जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी नहीं होती, जैसे हमारे केस में लगभग 6 से 7 मीटर तक रहती है, इनमें बहुत छोटी रहती है। तो छोटा कारण जो है उसका वही आपने याद रखना है कि जितने भी
कार्निवोर्स होते हैं, जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन SI शॉर्ट होती है, जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ज्यादा लंबा नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा एक तरफ से हमने पढ़ लिया। और दूसरा आपने देखो यहाँ पर पढ़ना है, अगर इसी डाइसेक्शन में अगर आपने पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखो ये वाला ये सर्कुलेटरी सिस्टम है सारा, ये कैरोटिड, ये हर्ट जो है थोड़ा बहुत यहाँ से दिख रहा है क्योंकि छुप गया है। तो ये सप्लाई है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आ रहा है, ये वाला देखिए ये कैरोटिड, यहाँ पर सिस्टिक आर्टरी जो नीचे की तरफ को जा रही है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर इस सेक्शन में थोड़ा सा व्यू सर्कुलेशन का भी दिखता है। दूसरा आप देखिए रेस्पिरेशन का, देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है ये लंग्स है, देखिए यहाँ पर लंग्स है, यहाँ पर तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्योंकि ये करता है तो वो भी आपको थोड़ा सा भाग दिख रहा है। किडनी का भी थोड़ा सा भाग यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, जगह जगह पर आपको फैट बॉडीज दिख रही हैं, देखिए फैट बॉडीज हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, यहीं पर आपने समझ लेना है। फैट बॉडीज जो है दोनों मेल और फीमेल में पाई जाती है वो प्रेजेंट देयर, एंड इट इज हेल्पफुल इन स्टोरिंग फूड, एक तो ये काम होता है उसका, ये फूड स्टोर करता है। एंड यूज्ड यूज्ड ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, तो दोनों वक्त ये यूज होता है, तो इसलिए फैट बॉडी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉग, वो देखी जाती है कि कभी कभी ये उसको जो एक्स्ट्रा फूड है उसमें स्टोर करने में उसका यूज करता है। तो ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो दैट इज एनाटमी, तो इसको ध्यान से देख सकते हैं आप एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है, टंग है, टंग जो है इसकी कैसी होती है, वो बेसिक फिक्स ऐसे होती है, वो एक जगह पर बाइफिड होती है आगे से, तो यहाँ से वो फिक्स होती है, तो जितनी गति से वो बाहर आती है उतनी गति से वो अंदर भी चली जाती है, और ये स्टिकी होती है, स्टिकी होती है, बाइफिड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इंसेक्ट खाते हैं ज्यादातर, जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट खाते हैं, तो एकदम वो स्टिक करेंगे यहाँ पर और एकदम उसको वो एंगल्फ कर जाता है, तो जैसे वो अंदर जाता है तो इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में आपको मालूम है SCL होगा या फिर गैस्ट्रिक जूस होगा जो कि सेल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ स्टमक, एंड आफ्टर दैट द फूड विल गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड हेयर यू कैन सी द लीवर इज देयर, सो लीवर विल प्रोड्यूस द बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट एटसेट्रा, सो इट इज अगेन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑल्सो इन केस ऑफ द फ्रॉग एज यूजल एज इट इज ऑल्सो फाउंड इन द अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, सो आफ्टर दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो यू कैन सी दैट द फूड विल बी पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली इट विल रीच इट द रेक्टम एंड इट विल ओपन इन द क्लोइका, सो दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम हियर। एंड नेक्स्ट वन आई हैव टेकन दैट वन फ्रॉम द NCERT डायरेक्टली, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हिस्सा है, इसोफेगस, ये लीवर है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और ये यहाँ पर आपको क्लोइका दिख रहा है, तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। जहां तक हमारे पास ये है देखो ये हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिख रहा है यहाँ पर, ये राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है, और ये वेंट्रिकल है, तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, ये किडनी दिख रही है देखिए यहाँ पर, ये किडनी है, और यहाँ पर ये फैट बॉडी है जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर फूड स्टोर होता है, और ये फूड जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस पर फ्रॉग होते हैं जैसे एक्टिव नहीं होते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, तो उस वक्त ये यूज होता है जो फूड इन्होंने यहाँ पर स्टोर किया जाता है। लंग्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर देखिए यहाँ पर हो रहा है, दिख रहा है आपको गॉल ब्लैडर इज देयर, तो यहाँ पर स्टोरिंग होता है जो बाइल सॉल्ट वगैरह होता है। तो यहाँ से ये क्लोकल एपर्चर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर यूरेटर की ओपनिंग भी यहीं पर हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, तो रेक्टम के थ्रू ये भी ओपन यहीं पर हो रहा है, और अगर जेनाइटल सिस्टम हम देखेंगे तो वो भी यहीं पर ओपन होगा। तो चलिए
ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है। लिखा गया है कि इट इज शॉर्टर, माउथ ओपन इन द बक्कल कैविटीज विच लीड्स टू इसोफेगस, फाइनली थ्रू इंटेस्टाइन ओपन आउटसाइड बाई क्लोका, नो सलेवरी ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक, फूड इज डाइजेस्टेड बाई एससीएल एंड गैस्ट्रिक जूस, लीवर सेक्रेट बाइल सॉल्ट, पैंक्रियस प्रोड्यूस पैंक्रेटिक जूस, फाइनली ऑल फूड सबस्टेट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्ड इज एब्जॉर्ब इन विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। तो वहां पर क्योंकि ऑल सबस्टेट की यहाँ पर बात होती है कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे वो प्रोटीन होगा, चाहे वो फैट्स होंगे, दे ऑल विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, जहां पर आपको पता है कि ऐसे विलाइज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जहां पर मॉडिफाइड होता है एपिथेलियल टिश्यूज, इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की यहाँ भी जस्ट लाइक ए ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। नेक्स्ट हम आएंगे रेस्पिरेशन के लिए, जल्दी से देखिए इसको भी बेटा। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो तीन तरह से फॉग के अंदर देखी जाती है, स्किन के थ्रू, बक्कोफेरेंशियल के थ्रू, और थर्ड वन इज द लंग्स। तो मैक्सिमम लेकिन वो अपनी जिंदगी में इसी के थ्रू करेगा, उसके कारण है क्योंकि कितनी बार तो वो हाइबरनेशन में चला जाएगा, कितनी बार वो एस्टिवेशन में चला जाएगा, कितनी बार आप उसको पानी के नजदीक देखते हैं, नियर टू वाटर वो बैठा होता है, बार बार छलांग लगा रहा होता है अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। ठीक है, बार बार छलांग क्यों लगाता है पानी में फ्रॉग, ये क्वेश्चन है। तो अपनी स्किन को गिल्ली करने के लिए वो बार बार छलांग लगाता है। और हमारे पास जो बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेस्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो बेस्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन होता है, उसकी क्या शर्तें हैं। पहला कि वो थिन होना चाहिए, तो स्किन इज थिन। दूसरा वो मॉइस्ट होना चाहिए, तो पानी के नज़दीक रहता है, हमारे लंग्स देखो मॉइस्ट ही रहते हैं मोस्टली, या फिर वो दैट इज हाईली वस्कुलराइज, हाईली हाईली ब्लड सप्लाई वहां पर होनी चाहिए। तो ये तीन शर्तें आपने याद रखना है कि दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बी अ बेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। थिन होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन रेट ज्यादा जल्दी जल्दी हो, इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफ्यूजन रेट तभी ज्यादा होगा जब वो पतला होगा, मॉइस्चर से मॉइस्ट होने की वजह से जो डिफ्यूजन रेट है वो बढ़ा हुआ होता है, और ब्लड सप्लाई इसलिए होती है क्योंकि जितना भी मटेरियल है, ठीक है, इसको क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस होता है तो इसलिए वो उसका यूज कर सकता है। तो दैट इज थ्री टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू जो होती है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के थ्रू होती है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों से मिलकर होती है दैट इज बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो बेटा ये आपने तीन याद रखनी है, क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल एंड देन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, ए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज देयर गिवन, और ये डॉर्सल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है, कहीं से मैंने लिया है ये, एंड दैट इज द वेंट्रल व्यू। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसको कि जो यहां पर आपको दिख रहा है, तो ये देखिए यहां पर राइट ओरिकल, ये राइट ओरिकल है, ये राइट ओरिकल है, फर्स्ट चैम्बर यहां पर, फर्स्ट चैम्बर ये यहां पर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो है राइट ओरिकल हो गया, लेफ्ट ओरिकल देखिए ये वाला, ये सेकंड चैम्बर है, एंड दिस वन इज द वेंट्रिकल दैट इज द थर्ड चैम्बर। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, और उस थ्री चैम्बर्ड हार्ट में आप देख सकते हैं कि जो राइट ओरिकल है वहां से साइनस वेनोसस यहां पर देखिए कहीं पर होगा, दैट विल बी प्रेजेंट हियर साइनस वेनोसस। तो ये वेंट्रल हिस्से में आपको यहां नजर आएगा टुवर्ड्स दी राइट, ये राइट है देखिए, ये अब लेफ्ट हो गया और ये वेंट्रिकल है। तो राइट वाले हिस्से में खासकर यहां जैसे जो है ये साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, जो
इन तीनों के फ्यूजन से बनता है। देखो किस किस से बनता है, प्री कैवल वेन जो ब्लड लेकर के आ रही है डी ऑक्सीजनेटेड, इट इज अनदर प्री कैवल वेन्स वो भी, और तीसरी है वो पोस्ट कैवल। ये तीनों मिलकर के यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों मिलकर के यहाँ पर इसको एक नया स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर साइनस वेनोसस का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली पाइसिस में देखा, मछलियों में हमने, फिशेज में देखा और फ्रॉग में देखा, लेकिन यही चीज जो है रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में एब्सेंट होती हुई हमने देखी जब हमने कोर डेटा को पढ़ा। तो साइनस वेनोसस बेसिकली जो है इन्फीरियर वेने कावा का एक हिस्सा बनेगा बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो साइनस वेनोसस क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और उसको राइट ओरिकल में डाल देता है। जहां तक ट्रंकस आर्टेरियोसस की बात है तो ये जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल का हिस्सा है वहां से उभरा हुआ हिस्सा है, देखिए यहां से निकला ये और ये दो भागों में डिवाइड हो गया, दैट इज राइट ब्रांचेस ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड द लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रंकस आर्टेरियोसस। और फिर ये क्या करता है आगे चल करके, देखो कैरोटिड जो कि हमारे हेड, जो कि फ्रॉग के हेड में चला जाएगा, सिस्टेमिक जो उसके बाजुओं में या नीचे बॉडी में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, तो वहां पर ये डिवाइड होता है। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस भी अब्सेंट हो जाता है रेप्टिलिया वगैरह में जब हम आगे जाएंगे, तो इसका मतलब ट्रंकस आर्टेरियोसस जो ओर्टा वाले हिस्से में जाएगा। जहां तक हम साइनस वेनोसस की बात करते हैं तो यहां से इनिशिएशन में ये हेल्प करता है, बेसिकली इनिशिएशन में हेल्प करता है। तो लगभग 60 टाइम पर मिनट ये रहता है रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट जो है इन केस ऑफ फ्रॉग। तो साइनस वेनोसस इनिशिएशन कॉज करता है, तो यहां पर आप उसको मान सकते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ पेस मेकर, या पेस मेकर का एक हिस्सा ये बन जाएगा इन फ्यूचर। तो ज्यादा बात हम इसकी नहीं करेंगे, हम केवल इतना कर समझेंगे कि जो हार्ट होता है वो जो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन केस ऑफ फ्रॉग दैट इज डिविजिबल इनटू, उसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ब्लड वाला हिस्सा, देखिए वहां पर हार्ट है, ठीक है, हार्ट कैसा है उसका समझने के लिए हम इसको बनाएंगे कि इट इज अ थ्री चैम्बर्ड, ये राइट ओरिकल, इट इज अ लेफ्ट ओरिकल या आर्ट्रियम भी इसको बोलते हैं, इट इज अ वेंट्रिकल। सो यहाँ पर राइट आर्ट्रियम, इट इज अ लेफ्ट आर्ट्रियम, इट इज अ वेंट्रिकल। तो ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो प्री कैवल वेन्स हैं वो लेकर के आती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको यहाँ पर ले आएगी, यहाँ पर हालांकि आपस में थोड़े से सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है लेफ्ट ओरिकल दैट विल बी फिल्ड बाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड है और दोनों फिर ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ जाते हैं, इसलिए जो ब्लड बहेगा उनकी बॉडी में दैट विल बी कॉल्ड एज द मिक्स्ड ब्लड। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड ब्लड जो है वो फ्लो करता है, सो मिक्स्ड ब्लड फ्लो इन फ्रॉग। तो यहाँ पर आपने याद रखा ये, ठीक है। तो साइनस वेनोसस का हिस्सा यहाँ जैसे चला जाएगा वो साइनस वेनोसस। अगर आपने पाइसिस पढ़ा होगा तो वहां पर हमने दो ही सेप्टम ऐसे बनाए हैं, इसको बोलते हैं हम साइनस वेनोसस, इसको बोलते थे हम ट्रंकस आर्टेरियोसस। वही चीज यहाँ पर देखिए, यहां से जो है वो डेवलप हुई है और वो दो भागों में यहाँ पर डिवाइड होती है, यहाँ पर जस्ट अबव द वेंट्रिकल। इसी वेंट्रिकल में आप एक और देख सकते हैं टेंडन्स, जिनको हम बोलते हैं कोर्डी टेंडनी। तो कोर्डी टेंडनी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो कोर्डी टेंडनी जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। तो जहां तक हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आरबीसी जो है इसके अंदर होता है, जो कि लगभग कन्वेक्स शेप का होता है, दैट इज नॉट ए बाई कनकेव, तो ऐसा होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, जैसा ह्यूमन के आरबीसी में है वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन होगा, उसका काम वही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 का हम फ्रॉग की बॉडी में एक्सचेंज करना। जहां तक WBCs है वो भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर डिफेंसिव एंड आल्सो हैव द प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट्स आर देयर एंड इस तरह से ये इनके पास होता है। इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जैसा हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है।
आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट। तो आपने इतना कर जो है इसके बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंड दैट इज दी एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ पर फिर से आपको फैट बॉडी दिख रहे हैं जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, उनका काम है फैट स्टोर करना, इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग दी एडवर्स सिचुएशंस। रीनल आर्टरी है देखिए, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। यहाँ पर ये किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, एक दो, एंड यूरेटर इज देयर। और मेल के अंदर अगर हम देखें तो ये यूरिनोजेनाइटल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरेटर जो है यूरिन का भी कॉमन पाथ है, और जो जो मेल का जेनिटाइल है, जो टेस्टिस है, वहां से स्पर्म को ले जाने के लिए भी ये कॉमन पाथ होता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात आप देख रहे होंगे कि अगेन इट इज ओपन इन द क्लोका, तो वहीं पर ये ओपन हो रहा है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव वाला हिस्सा है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, अब हमने देखा कि एक्सक्रेटरी वाला हिस्सा भी यहीं पर ओपन होता है। तो यहाँ पर ये रेक्टम जो है इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कन्फ्यूज नहीं करना ये कहाँ से आ गया है। तो किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनी है, वहां पर एड्रेनल ग्लैंड्स वहां पर भी वैसे ही सिचुएटेड है जैसे हमारे अंदर होता है। रीनल पोर्टल वेन आपको यहाँ पर दिख रही है। व्हाट इज अ रीनल पोर्टल वेन? एक्चुअल में जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, वहां से जितना भी ब्लड आ रहा है अभी तक वो हार्ट में नहीं जाएगा, वो पहले कहां पर जाएगा? किडनी में जाएगा, फिर किडनी से वो फिर हार्ट में जाएगा, देन इट विल गोज टू द हार्ट। तो डायरेक्टली जो है हार्ट में नहीं जाता, यहां नहीं जाता वो, यहां नहीं जाएगा वो, नो, इट विल गोज फर्स्ट टू किडनी, देन इट विल कम टू द हार्ट। तो क्या होगा कि जितना भी इसके पास जो भी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है या जो एक्स्ट्रा होती है चीजें, वो पहले यहाँ पर प्योरीफाई होती है किडनी में, देन इट विल गोज टू द हार्ट। तो इसको बोलते हैं हम रीनल पोर्टल वेन। तो ये हमारे अंदर ज्यादा डेवलप नहीं होता क्योंकि हमारा किडनी जो है वो काफी डेवलप है। वैसे भी जो एंडोथर्मिक होते हैं, जो वार्म ब्लडेड हैं, उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम कम ही देखा जाता है। एक और सिस्टम यहाँ पर पोर्टल सिस्टम का हम पढ़ेंगे आगे, वो होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, दैट विल अकर्स बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन, लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में वो होगा। तो प्लीज आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इसी के मकसद से होता है। तो जो सप्लाई ऑफ ब्लड या जो भी ट्रांस कम्युनिकेशन जो है बिटवीन टू ऑर्गन्स के बीच में होता है उसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तीन तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, ये जो है, ये जो लिखा है यहाँ पर किडनी और लोअर बॉडी पार्ट में होता है, दैट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। और हिपेटो, ये होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर, और दिस विल टेक स्पेस बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन, तो उसके बीच में ही होता है। ये किडनी और लोअर पार्ट के बीच में जो होता है दैट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। तीसरा जो है हाइपोफिशियल होता है, जो पिट्यूटरी और हमारा जो ऊपर हाइपोथैलेमस होता है उसके बीच में रहता है। तो तीन तरह के हैं, तो हमारे अंदर ये ज्यादा डेवलप नहीं है, सो दे आर प्रेजेंट इन द लोअर टाइप ऑफ द कॉर्डेट्स। तो ये भी आपके पास देखिए। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है, तो यूरिया इससे नाइट्रोजन वेस्ट जो मटेरियल होता है वो यूरिया ही वेस्ट होता है। तो नेक्स्ट वन, कम टू द फ्रॉग नर्वस सिस्टम, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है दैट इज ब्रेन आपको दिख रहा है, और ब्रेन जो है वो बॉक्स के अंदर होता है, इसलिए हम आपने पढ़ा होगा कि उसको हम क्रेनिएटा बोलते हैं इनको। वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनका ब्रेन बाहर से जो है वो स्कल के द्वारा कवर किया जाता है, तो यहाँ से ब्रेन और प्लस स्पाइनल कोर्ड, ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी वहां पर, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर बनता है, और यहाँ से जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहीं से ही ये जो है ऐसे यहाँ से बॉडी के डिफरेंट हिस्से में नर्व्स अराइज होती हैं, जो ब्रेन से होती हैं
दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलती हैं, दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स एंड दे आर 10 पेयर इन नंबर्स। तो 10 पेयर होते हैं उनके, जबकि हमारे केस में वो 12 होते हैं। और साथ में उसी तरह से जो स्पाइनल कोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेन है और ये ब्रेन से यहाँ पर ये नीचे तक आ गया, देखिए यहाँ तक ये स्पाइनल कोर्ड है। तो ये स्पाइनल कोर्ड और ये जो ब्रेन है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइन से जो नर्व्स निकल रही हैं दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों मिलकर के बनाती हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो तरह का सिस्टम होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, और जो ऊपर हमने देखा है दैट इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसके साथ साथ ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें डिवाइड होता है ये सेरिब्रम सेरिबेलम, ये जो पोर्शन होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। और उसके बाद जो ऑल्फैक्ट्री लोब भी उसी का हिस्सा है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑप्टिक लोब इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, एंड देन मेडुला ओब्लोंगेटा एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम, दीज आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और मिड ब्रेन में यहाँ पर बीच में जो है स्मेलिंग वगैरह जो होती है, जहाँ पर हाइपोथैलेमस वगैरह होता है दैट इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो वहाँ पर इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना, ये स्पाइनल नर्व्स हैं और ये ऊपर यहाँ से क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं इसमें, 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। स्पाइनल नर्व्स होती हैं बहुत सारी हैं, तो उसका नंबर आप प्लीज अपने आप काउंट करिएगा, कहीं से देखिएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कोर्ड, और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से ऐसे छोटे छोटे जो मैसेज ले जाने के लिए या ले आने के लिए जो नर्व की एक सप्लाई बनती है उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नर्वस सिस्टम है। हालांकि नर्वस सिस्टम बिना एंडोक्राइन के पूरा नहीं हो सकता है, आपने याद रखना है एंडोक्राइन प्लस न्यूरल सिस्टम जो है उसको बोलते हैं हम एंडो न्यूरल सिस्टम। तो एंडोक्राइन में इसके पास वो सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ह्यूमन बींग्स में आपने पढ़े होंगे कभी, चाहे वो हाइपोथैलेमस, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, चाहे वो थायराइड होगा, क्योंकि थायराइड तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर जो है टैडपोल कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा। पैराथायराइड है, एड्रेनल ग्लैंड है, ये सारे इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन, ये सेंस ऑर्गन है इसके पास, तो सेंस जो है इनके पास प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्रॉग है द रिसेप्टर, तो बहुत सारे रिसेप्टर जो है इनके पास होते हैं जिससे वो इन्वायरमेंट से पता लगा सकते हैं कि किस तरह का बाहर जो है वो, अगर टच है तो टच के लिए उनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मेल के लिए उनके पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स उनके पास होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स से भी वो पता लगा लेते हैं कि किस तरह का स्वाद है। सेंस ऑफ साइट के लिए उनके पास आईज प्रेजेंट होती हैं, और हियरिंग और बैलेंसिंग करने की दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए उनके पास प्रेजेंट होते हैं ये सब चीजें। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दे आर हैविंग, इसके लिए इनके पास सेंसरी पेपीली होती हैं, सेंसरी पेपीली बोलते हैं हम उनको, एंड सेंस ऑफ स्मेल, इनके लिए सेंस ऑफ स्मेल के लिए इनके पास ऑल्फैक्ट्री नर्व जो होती है बहुत ज्यादा डेवलप होती है इनके पास ऑल्फैक्ट्री नर्व। और उसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट के लिए इनकी जो बड है, टंग है, वहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। साइट के लिए इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वाली आईज होती हैं जिसको मूव कर सकती हैं, मूवमेंट हो सकती है उसकी, इधर उधर वो देख सकते हैं।
हियरिंग और बैलेंस करने के लिए, याद रखना आपने, ईयर जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं, हियरिंग का भी और बैलेंसिंग का भी, तो ये भी इनके पास मौजूद होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर्स इनमें नहीं होते, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो ईयर ड्रम से हो जाती है, एक्सटर्नल ईयर जो है वो अब्सेंट होते हैं, तो दे आर अब्सेंट हियर। नेक्स्ट वन, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव की अब बात करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्प्लेक्सस। तो एम्प्लेक्सस या मेटिंग, तो इस वक्त जो मेल होता है उसके अंदर नप्टियल पैड और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो है वो फीमेल को होल्ड करके रखता है, और ड्यूरिंग दिस एक्शन जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, दोनों, जो मेल होता है वो भी स्पर्म प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग दिस एक्शन, जब तक उसको वो होल्ड करके रखता है, तो लगभग जो फीमेल है वो बहुत सारे अंडे यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। लगभग माना जाता है कि एक फीमेल जो है अपने समय में 2500 से 3000 तक एग जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर चलिए उसको और कलर से बना देते हैं, तो ये सारे एग हैं, तो ब्लू वाले सारे एग हैं, दैट इज गिवन बाय द फीमेल ड्यूरिंग दिस एक्शन। तो ये यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, और इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है दैट विल बी फ्यूज्ड विद द एग, वो एग के साथ फ्यूज करता है और यहाँ पर वो जाइगोट बना देता है। तो ये जाइगोट जो है फर्दर फिर डेवलप होता है इनटू अ टेडपोल लार्वा, तो टेडपोल लार्वा में वो बदल जाता है और उसी तरह से इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो यहां पर देखिए बेटा आगे, ये उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से डिफरेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये टेस्टिस है जहां पर मेल स्पर्म जो है बनते हैं, और यहाँ पर जो है वो रेटी टेस्टिस में मेच्योर होके यहाँ पर आते हैं, और अल्टीमेटली वासा डेफरेंसिया के थ्रू यूरेटर के माध्यम से, ये वाला जो आप देख रहे हैं स्पर्म यहाँ से आते हैं, और क्लोका के रास्ते होते हुए वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन या जब वो कॉपुलेशन करते हैं। उसी तरह से ही ओवरी आप देख सकते हैं कि ओवरी यहाँ पर भी है और ओवरी वहाँ पर भी है हमारे सामने, सो दैट इज ओवरी के यहाँ पर साइड पर एड्रेनल बॉडीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि इट इज अ बीडर्स कैनाल, जो केवल मेल के अंदर ही पाया जाता है, सो फीमेल के अंदर कोई बीडर कैनाल नहीं होता है। तो यहाँ पर फैट बॉडी आपको दिख रही है, दैट इज उसका काम तो अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ओवरी से ऊपर की तरफ को देखती हुई नजर आती है। तो ओवरी से ओविडक्ट है यहाँ पर, और ओविडक्ट जो है फिर यहाँ पर ओपन होता है, और यहाँ से एग जो है वो ड्यूरिंग द कोपुलेशन बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये आपके पास लास्ट स्लाइड मेरे पास यहाँ पर आपको दिखाने के लिए है, ये है देखिए बेटा फ्रॉग, मेल और फीमेल दोनों ने अंडे दिए, यहाँ पर अंडे दिए, मेल ने स्पर्म रिलीज किया, दोनों फ्यूज हुए और ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया। ये जो एग्स आपको दिख रहे हैं इनको फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे हम, और जो फीमेल के द्वारा सिंपल एग ही बोलते हैं हम, दोनों में डिफरेंस, इट इज अ हैप्लॉइड, इट इज अ डिप्लॉइड। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो में डेवेल्प होगा, एम्ब्रियो फर्दर टेडपोल में डेवेल्प होता है, और यहीं पर ही जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन है उसका रोल हम देखते हैं। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, तो उसके बगैर जो है ये कभी भी टेडपोल लार्वा जल्दी से एडल्ट में नहीं बदलता है। तो ये टेडपोल में फिर 4 टेट्रापोडा में वो बदल जाता है यहाँ पर। तो डिफरेंस के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टेडपोल्स और फ्रॉग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। टेडपोल हैव गिल्स, दैट इज अ फिश लाइक करेक्टर होता है उसके पास, उसकी बॉडी भी फिश लाइक होती है, ठीक है, बट एट द एडल्ट इट गिल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय द लंग्स, एंड दिस प्रोसेस यहाँ पर जो टेल्स होती हैं, ठीक है, टेल होती है उनमें, बाद में टेल एब्सेंट हो जाती है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये जो है पानी में नहीं रह सकते, दोनों जगह रह सकते हैं। दिस चेंजेस और दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट,
टैडपोल से जो फ्रॉग बनता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटामोर्फोसिस। इट इज कॉल्ड एज मेटामोर्फोसिस, मेटामोर्फोसिस। तो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रॉग। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो फ्रॉग है वो भी हमें मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो एवोल्यूशन है वो हुआ है। जहाँ जहाँ पर भी हमने देखा कि इसमें लगभग अडेप्ट होने के लिए जो जो हो सकता है उनमें हुआ, चाहे वो मिमिक्री की बात करें हम, चाहे इसका इंटेस्टाइन का छोटा होने की बात करें हम, चाहे इसके अंदर टैडपोल लार्वा की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हम बात करें, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हुए निकलते हैं। और इसके इसको पढ़ने के बाद हमें कंपैरिजन जो है वो देखने को मिलता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितने डिफरेंट है, एक क्लास कैसे दूसरी क्लास के ऑर्गेनिज्म से अलग होती है। तो आई होप आप सभी को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस ऑल। जो भी मेरी तरफ से हो पाया, जो भी मेरे से जल्दी जल्दी, क्योंकि ये स्लाइड्स हमें बनाना पड़ी, तो जितना भी आपको समझ में आया वो आपका आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। इसको बार बार आप इस वीडियोस को द्वारा भी देख सकते हैं। थैंक यू।